नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांशु राजपूत और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे द लर्नर्स अब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम्स का आज दूसरा दिन है और हम सीधा आ गए हैं खालसा कॉलेज। हमारे आए स्टूडेंट से हम पूछेंगे कि एग्जाम्स का सारा लुक ओवर करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, हम पूछेंगे पेपर कैसा था, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, आइए चल। हेलो मैम, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम आकांक्षा बाजपेयी। तो मैम, ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया? पेपर मेरा ठीक ही था, मतलब आई वाज नॉट स्कोर्स टू गुड, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच, बट मे बी पर्टिकुलर सेक्शंस की आप पहले मैथ्स अटेम्प्ट कर सकते हैं या पहले हिंदी कर सकते हैं या इंग्लिश कर सकते हैं। हाँ ठीक था, मॉडरेट था। मेरा स्कोर तो काफी कम था, 112। नमस्ते सर, आपका नाम? कमलेश वर्मा। सर कैसा था आपका ओवरऑल एग्जाम? अरे ओवरऑल तो ठीक ही रहा सब कुछ, पर जीके और मैनेजमेंट जी थोड़ा टफ था। हाँ, जैसे कि मैनेजमेंट अभी सर नया आया है, तो आप क्या बताना चाहोगे? अब वो अपना सब्जेक्ट साइंस था तो मैनेजमेंट अपने के लिए टफ ही था। और जीके सर आप बता रहे, जैसे कि टफ आप बता रहे, तो जीके एमपी के उसमें था कि सर नेशनल लेवल पे? एमपी लेवल से था, पर वो क्या हुआ उसमें सन ज़्यादा पूछ लिया उनने कि योजना कौन से सन में कौन सी योजना चलाई गई। अच्छा अच्छा, ये था। अच्छा, तो मतलब आप क्या बोलेंगे, माइल्ड था, मॉडरेट या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था? मॉडरेट था। हाँ, और सर जो मैथ्स है? नहीं, मैथ्स ठीक थी, मैथ्स इजी था या एडवांस? नहीं नहीं, मैथ्स इजी था। अच्छा, और सर कुछ क्वेश्चंस आप बताना अगर चाहें कि हमारे स्टूडेंट्स अगर वो देखें। मैथ्स वाले सवाल थे, वो प्रतिशत निकालने वाले सवाल। अच्छा, है ना, और बोर्ड मोस्ट के जो सवाल है ना, बुरा भाग भाग लगाना। अच्छा सर, और एक क्षेत्र में से थे दो तीन सवाल, है ना। सर आपका स्कोर कितना बना? 106। हाँ ना, चलिए सर, ऑल द बेस्ट। सर नाम? ओम प्रकाश चौधरी। तो सर कैसा था आपका पेपर? अच्छा, अच्छा। सर मैथ्स का मतलब कैसा, क्या वेटेज था? नॉर्मल ही था, ज्यादा ये नहीं था। अच्छा, और सर जैसे हमने की सुना कि मैनेजमेंट अभी इस बार नया आया है, तो सर वो भी सिंपल था, ज्यादा। अच्छा, सिंपल था। अच्छा सर, और अगर आप कुछ क्वेश्चंस जैसे हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स उन्हें बताना चाहें कि किस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो? मेरे को तो वैसे ही एमपी का भी पूछ रहा है। एमपी का ही पूछ रहा है, और नेशनल वगैरह का भी पूछ रहा है? ज्यादा नेशनल का नहीं है। अच्छा, एमपी संविधान वगैरह से पूछ रहा है। अच्छा 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 सर, मेरे को फिर ज्यादा याद नहीं आ रहा है। तो सर आपकी स्कोर मतलब क्या स्कोर क्या बना होगा सर आपका? मेरा 90 बना। 90 बना, चलिए सर, ऑल द बेस्ट सर आपका। हाय मैम, आपका नाम? नितेश्वरी गोपजी। अच्छा, हम लर्नर सबसे हैं। तो मैम ओवरऑल कैसा था आपका पेपर? पेपर तो अच्छा रहा। अच्छा, तो मैम क्या ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको याद है, कैसा मतलब आप क्या जज करेंगे, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर? मॉडरेट मतलब। अच्छा, और जैसे क्या स्कोर रहा मैम आपका? 126। अच्छा मैम, कोई क्वेश्चंस आपको याद हो जो हमारे स्टूडेंट्स को अगर आप बताना चाहें? क्वेश्चन तो एमपी से आए थे काफी। अच्छा, जीके के तो बेसिक क्वेश्चन थे, जे से आए थे, और हिंदी के थे, हिंदी में वाक्य शुद्धि। अच्छा, हाँ, और मैथ्स भी इजी आया था। मैथ्स इजी था? हाँ। अच्छा, मैथ्स एडवांस नहीं था? एडवांस नहीं था। अच्छा, मतलब था। तीन चार क्वेश्चन थे। आपके कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब सही गया है आपको। हाँ। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। एक मिनट सर, आपका नाम? पंकज राउत। कैसा सर आपका एग्जाम? ठीक था पेपर, मॉडरेट रहा है। मॉडरेट रहा सर, तो कैसा आया था, सेक्शन वाइज थे या मिक्स था? मिक्स क्वेश्चन था पूरा, मिक्स क्वेश्चन था। और सर अपना जो मैथ्स का था, तो सर अपने उसमें एडवांस मैथ्स थी या नॉर्मली मैथ्स आई थी? नॉर्मल मैथ्स थी। सर आपने मतलब क्या स्कोर मतलब लग रहा है आपको, क्या स्कोर किया? स्कोर तो मेरा 80 आया है। 80 आया है, ओके। और सर जैसे अपन जीके है, जीके में मतलब एमपी से पूछा गया था कि एमपी से आया था? एमपी से ही आया था। सर कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, जैसे अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को, चोल राजाओं के बारे में पूछा था उनके, और गुप्त वंश के बारे में पूछा था, और जो गुफाएं है अजंता की गुफाएं, अच्छा उसके बारे में पूछा अजंता की। ओके ओके, चलिए बेस्ट सर, चलिए ऑल द बेस्ट सर आपको। थैंक यू।